नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। एक बार फिर हाजिर हूं एक ऐसी खबर लेकर जहां मामले की जांच हो तो बहुत बड़ा प्रदेश का घोटाला उजागर हो सकता है। दरअसल मामला माननीयों के द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छा अनुदान मद का है। रीवा जिले में माननीयों के विकास का एक अलग ही मापदंड है, जहां अभी भी विंध्य क्षेत्र के बहुत सारे गांव अपनी मूलभूत विकास समस्या के लिए जूझ रहे हैं। उनके पास फंड की कमी है। वहीं विकास के ठेकेदारों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए तीन चीजें सबसे उपयोगी लगती हैं। उनमें से पहला है वाटर टैंकर, सोलर लाइट और यात्री प्रतीक्षालय। उक्त तीनों कार्य में माननीयों की विशेष रुचि के पीछे एक बड़ा खेल है। अब बात सोचने की यह है कि विगत 20 वर्षों से जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों को वाटर टैंकर पेयजल व्यवस्था के नाम पर दिया जा रहा है। अब तक हजारों वाटर टैंकर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों को दिए जा चुके हैं, परंतु पंचायतों की मांग किए बिना ही आखिर क्यों वाटर टैंकर दिए जा रहे हैं, यह एक खोज का विषय है। विगत कई वर्षों से दिए गए वाटर टैंकरों की कोई भी एंट्री पंचायतों के स्टॉक पंजी रजिस्टर देखने को शायद ही मिले। जिले की ज्यादातर पंचायतों में 2000 से ज्यादा वाटर टैंकर की सप्लाई विगत कई वर्षों में हो चुकी है। यह समझना थोड़ा कठिन है कि आखिर यह वाटर टैंकर जाते कहां हैं और इनकी आज की स्थिति क्या है, यह जानने वाला कोई माई बाप नहीं है। पेयजल व्यवस्था के नाम पर दिए गए यह वाटर टैंकर ज्यादातर गांव में बनने वाले घरों में पानी के लिए या वहां के ठेकेदारों के लिए या माननीय अधिकारियों के भरोसेमंद ठेकेदारों के पास गिरवी रखे हुए हैं। ग्राम वासियों के लिए यह वाटर टैंकर अभी भी दूर का चांद है। अब बात करते हैं एक और पसंदीदा कार्य की। यह जो लोहे का प्रतीक्षालय आप देख रहे हैं, इसकी कीमत मध्य प्रदेश में 3 लाख या उससे भी अधिक होने के साथ माननीयों की दूसरी पसंद है। इस जिले के साथ ही मध्य प्रदेश के हर रोड में मशरूम की तरह तकरीबन हर 200 मीटर पर यह प्रतीक्षालय आपको देखने को मिल जाएंगे। हर क्षेत्र में तो यह प्रतीक्षालय हर 20 कदम में पाए जा सकते हैं। कहने को तो यह राहगीरों के बैठने की व्यवस्था है जो उन्हें धूप और पानी से बचाएगा, परंतु शाम ढलते ही यह असामाजिक तत्वों और शराबियों का एक सुरक्षित अड्डा हो जाता है, जहां बैठने की संपूर्ण व्यवस्था है। मुझे हैरानी इस बात की है, और आप भी अंदाजा लगाइए कि यह टीन सेट के बने हुए एक छोटे से प्रतीक्षालय क्यों 3 से 4 लाख रुपए में बनकर तैयार हो रहा है। जरा अंदाजा लगाइए, इसी प्रदेश में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीबों को 1,30,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। इसी पैसे में उसे ईंट गारे का आसियाना बनाना होता है, और यह आसिया कम से कम 20 से 25 वर्षों के लिए होता है। यह छोटी सी रकम भी गरीब को कई स्तर के कागजी कार्यवाही फोटोग्राफी के बाद खंड खंड में मिलती है। अब वापस आते हैं प्रतीक्षालय की तरफ। यह प्रतीक्षालय आप देख सकते हैं, 1 साल के अंदर ही इसकी हालत क्या हो गई, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बैठने लायक कितने दिन तक और रहेगा। मतलब जनता के खून पसीने से, उसके टैक्स के पैसे से जो निर्माण माननीयों के द्वारा कराया जा रहा है, उसकी उम्र मात्र 1 या 2 साल है। यह प्रतीक्षालय कई स्तर की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बाद आपकी सेवा में दिया जाता है। मसलन पहले तो यह अपनी वास्तविक या बाजारी मूल्य से बहुत ज्यादा कीमत पर लगता है। उसके मूल्य से ज्यादा कीमत होने के बाद भी इसकी जो निर्धारित गुणवत्ता है, वह तकनीकी चीजें इसमें लगाई भी नहीं जाती। तो इसको ऐसे समझें कि पहले लेयर में इसको बनाने के लिए टेंडर एक गुणवत्ता निर्धारित करने वाली शासन की संस्था ने छल किया, ज्यादा रेट लगाया। उसके बाद उस कंपनी के अधिकृत निर्माता ने छल किया, जो चीजें लगानी चाहिए वह नहीं लगाई। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह प्रतीक्षालय जो दिख रहा है, इसमें पेवर ब्लॉक नहीं लगा है, जबकि इसके फर्श में पेवर ब्लॉक लगाने का प्रावधान है। इसमें सोलर लाइट भी नहीं लगी हुई है, उसका भी प्रावधान है। साथ ही स्टील की कुर्सियों की जगह इसमें स्टूल लगा दिख रहा है। इसमें कहीं पर अंकित नहीं है कि यह किस निर्माण एजेंसी ने बनाया, कितने रुपए का बना है एवं कितने साल की गारंटी है। जबकि ग्राम पंचायत के अंदर बनने वाली एक छोटी सी नाली में भी बोर्ड लगाना और उसका मूल्य लिखना एकदम आवश्यक है। मजे की बात यह है कि इस प्रतीक्षालय की जिम्मेवारी किस पंचायत के पास है, किसी को नहीं मालूम। जिस पंचायत के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, उसके स्टॉक पंजी में शायद आज भी यह दर्ज नहीं हो।
मतलब यह एक लावारिस विकास कार्य है जिसका कोई माई बाप नहीं है। निर्माण एजेंसी को निर्माण की इतनी जल्दी थी कि ज्यादातर प्रतीक्षालय शासकीय भूमि में न लगाकर लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर ही लगा दिया, जबकि नियमन शासकीय पैसे से कोई भी कार्य प्राइवेट भूमि पर नहीं कराया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि जब शासन के पैसे से कार्य हो रहा है तो इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए कोई ना कोई एजेंसी भी जरूर निर्धारित होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संबंधित एजेंसी ने भी गांधी जी के बंदर की तरह अपने आंख कान बंद कर रखे हैं और ऐसे ही गुणवत्ता विहीन निर्माण को सर्टिफिकेट देकर एक मुफ्त भुगतान कर दिया गया। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कार्य का आदेश माननीय कलेक्टर के हाथों से होता है। यह समझना और भी कठिन है कि जब ग्राम पंचायतें उपलब्ध हैं और इतनी ही या इससे कम कीमत में कंक्रीट के प्रतीक्षालय बनाए जा सकते हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल तक होगी, साथ ही ग्राम पंचायतें रोजगार गारंटी के तहत अपने रहवासियों को काम भी दे पाएंगे। सोलर लाइट का भी ऐसा ही हाल है। शासन की निर्धारित एजेंसी ऊर्जा विकास निगम के अलावा अलग अलग एजेंसी से काम कराया जा रहा है, वो भी निर्धारित दरों से कई गुना अधिक मूल्य पर। शासन से पैसा प्राप्त कर क्रियान्वयन एजेंसी अपने मन माफिक सामग्री लगाकर खाना पूर्ति कर देती है और मेंटेनेंस के नाम पर कभी वापस नहीं आती। समझने वाली बात यह है कि इन एजेंसियों की मॉनिटरिंग करने का दायित्व किसी के पास नहीं है। फिर ऐसे कार्य के माध्यम से जिले के कलेक्टर महोदय भ्रष्टाचार को बढ़ावा कैसे दे रहे हैं? और यदि यह उनकी जानकारी के बिना हो रहा है तब भी यह एक विचार का विषय है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कलेक्टर महोदय के जिले में उनकी जानकारी के बिना कैसे फल फूल रहा है। यदि निष्पक्ष जांच हो तो पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। आइए आपको सुनाते इस संबंध में समाज सेवियों का क्या कहना है जिनसे हमारे चैनल हेड ने बात की है। मध्य प्रदेश सरकार में बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, हर घोटालों की अलग अलग एक प्रक्रिया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली स्वेच्छानुदान राशि विकास के नाम पर जो राशि दी जाती है उस पर भी जमकर घोटाला हो रहा है। हालांकि इस तरह के घोटालों को हमने कई बार दिखाया है और जांच भी हुई है। एक ऐसा ही घोटाला सामने आया है यात्री प्रतीक्षालय के नाम पर, जिस पर रीवा जिले की अगर बात करें तो 8 विधायक और 1 सांसद हैं, सबके द्वारा विधायक निधि से यह राशि खर्च की गई है। आवास के लिए जहाँ 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं, वहाँ एक ये यात्री प्रतीक्षालय के लिए 3 लाख 3.5 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं। कितना बड़ा घोटाला हुआ है इसमें, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ समाज सेवी चतुर गौतम जी हैं जिनके द्वारा जानकारी जुटाई गई है कि किस तरह से विधायक जनप्रतिनिधि ने घोटाला किया है। गौतम जी, किस तरह का ये मामला है, पूरा कैसे घोटाला किया गया? दरअसल जो विधायक जी हैं हमारे माननीय मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक हैं, इनको विधायक निधि मिलती है। विधायक निधि समाज और विकास के लिए दी जाती है, लेकिन इन्होंने समाज और उसका विकास, क्षेत्र का विकास नहीं किया, बल्कि अपना स्वयं का विकास ज़्यादा इन्होंने किया है। प्रधानमंत्री आवास में 1,20,000 एक बार में मिलता है, 16,000 मजदूरी में मिलता है, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं ये लगभग 3 लाख से ऊपर का है, 3-3.5 लाख का है। इसी तरीके से जामू में 2 प्रतीक्षालय बने, मैं जहां खड़ा हूं ये हटवा जिले की अगर बात करें, पूरे जिले का यही हाल उड़ गए हैं। 50% तो उड़ गए हैं, हवा में उड़ गए, चूँकि टीने के बने हुए हैं, कंडूल पाइप के बने हुए हैं। और इसमें इससे बड़ा भ्रष्टाचार मुझे ऐसा लगता है कि टैंकर घोटाला और ये अति प्रतीक्षालय विधायक लोगों के द्वारा जो ये 2 तरीके अपनाए गए हैं, एक टैंकर और दूसरा ये अति प्रतीक्षालय, इसमें इन लोग भारी भ्रष्टाचार किए हैं। और जनता का जो पैसा है जो विकास के लिए दिया गया है, इनका विकास पर्याप्त हुआ है। कुल मिलाकर जहाँ भी देखें स्वेच्छा अनुदान का राशि जो है वो या तो टैंकर के नाम पर है, हाँ। वो भी टैंकर आज की नहीं, हमको लगता है 10-50 साल से जब भी विधायक होते रहे टैंकर के लिए ही मत देते रहे। दुर्भाग्य ये है कि एक भी टैंकर का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसमें किसी को कुछ मुआवजा नहीं मिलेगा। टैंकर का ना तो रजिस्ट्रेशन है, टैंकर बना कितना, गुणवत्ता कितना है उसका कोई देख नहीं। जैसे ये देखिए, ये टीना का है, टैंकर देखने को मिलते हैं क्या? टैंकर रोड में ठेकेदारों के यहाँ आपको मिल जाएंगे, ग्राम पंचायत में फूटे हुए मिल जाएंगे, जिनमें टायर नहीं है, बीच में लीकेज हो गए हैं, एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष के लिए नहीं बचते हैं। क्या मिलाकर एक चक्र टाइप का बना हुआ है, शासन का पैसा आए इस माध्यम के साथ। देखिए, इन शुरू से स्टार्ट होता है, जिस दिन से चुनाव का पर्चा भरा जाता है उस दिनांक से जीतते दिनांक से लेकर और जब तक ये रहते हैं, इनके भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार नाना तरीके से करेंगे, कितने जितने भी षड्यंत्र होते हैं उतने तरीके से भ्रष्टाचार लोग करते हैं। यात्री प्रतीक्षालय के रूप में क्या मानते हैं कि जिले में और प्रदेश में कितने घोटाला हो गए? अब 824 से लगभग ग्राम पंचायत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ग्राम पंचायत नहीं जिस ग्राम पंचायत में 2-3 यहाँ तक कि 4-4 बने हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर चार बने हैं तो 12 लाख का बना है, 12 लाख का अगर किसी कोई रोड बनाई जाती, कोई भवन बनाया जाता, इससे अच्छा तो अगर कांक्रीट की बिल्डिंग बनाकर ये देते तो कम से कम 50 साल चलता, उड़ता नहीं, ये तो 5 साल बाद इसका हवा में उड़ जाएगा। उपयोग कितना हो रहे हैं इनके? मवेशी यहाँ रुकते हैं रात में, जो लावारिश होते हैं वो ज़रूर यहाँ पर रुकते हैं, और बाकी तो इसका आप भी देख रहे हैं कि इसका कितना उपयोग होता है, या शराब पीने के लिए उपयोग होगा, नशेड़ियों के लिए। तो देखा है आपने, यहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए हैं आवास बनाने के लिए, जहाँ सरकार 1.5 लाख रुपये देती है, वहीं यात्री प्रतीक्षालय के लिए 3.5 लाख रुपये देती है। हर विधायक हर 5 वर्ष में दे रहा है, लेकिन कहीं यात्री प्रतीक्षालय देखने के लिए ऐसे नहीं मिलते जहाँ पर कि लोग चैन से 2 मिनट बैठकर और बस का इंतजार कर सके। हालांकि ऐसे घोटाले की भी जांच बहुत ही ज़रूरी है कि प्रदेश सरकार इन घोटालों की जांच कराए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि प्रदेश सरकार जाँच कराएगी, क्योंकि उसके भी विधायक इसी में सम्मिलित हैं। विराट 24 के लिए रीवा से रामानंद पांडे। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।